तो आ गए तुम सब। अब जैसा कि तुम सबको पता कि हम सबको लॉकडाउन दे दिया गया और इस लॉकडाउन में घर पे करने के लिए कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ मैं भी बिल्कुल तुम सब की तरह। और अपनी इसी बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैं चला गया बेड पर और वहाँ लेटते लेटते मैं 10,000 बार इंस्टाग्राम को स्क्रोल करते गया और मुझे स्क्रोल करते करते कुछ ये दिख गया। देखो सीधी से बात है, जैसा मैं इस पोस्ट के लिए 10 सेकंड तक रुक गया, मुझे लगता है तुम सब भी रुके थे, पर तभी किसी नमूने बंदे ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया। और जहां तक हम सबको पता है कि अगर हम कमेंट्स के बारे में देखें तो 2007 के फेसबुक के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि लड़कियों की फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में हमेशा से हरियाली छाई रहती थी और हमारे में सुखाड़ भरा रहता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भरे पड़े रहते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज की जरूरत है, वो है लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाकर के उनसे पूछना, उनसे बात करना, उनके टॉपिक पर अच्छे से प्यारे से या फिर किसी भी टाइप के कमेंट करके जाना। और इन्हीं कमेंट्स का मजा आज हम लेने वाला है, तो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। माय ब्यूटीफुल, आए हाय, अब इसको बोलता कमेंट, इसको बोलते हैं पूरी इंग्लिश बुक से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सारा पैराग्राफ इसी पे छापना। अब इसको बोलते हैं असली चुप, बिल्कुल चुप, असली कमेंट, इसको लिखने मत ना, दिल जिगरा फेफड़ा कुर्ता भाई जिसमें होता है सब में छेद होने वाला है, इतना मतलब इसको बोलते हैं ऑसम लेवल का, इतना मतलब गांजा फूकने बाद जिस लेवल का हम लोग नशा करते हैं ना, उस नशे बाद जो इंग्लिश निकलती है वो इससे देखने बात मिलती है। माई ब्यूटिफुल, माई प्रिंसेस, माई क्वीन ऑफ माई हार्ट, ओहो हो हो, अभी तक क्वीन से मन नहीं भरा था तो क्वीन ऑफ माई हार्ट, कुछ देर बाद लिखा माई क्वीन ऑफ माई किडनी टट्टी। और तुम सबको क्या लगता है कि इतना सा लिखने के बाद ये थक गया होगा? नहीं नहीं, अभी इसमें सिर्फ इंग्लिश की माँ बहन की है, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों की एक साथ करने वाला। अब आगे देखो ये क्या लिखता है, जान तो मेरी है फॉर एवर तो मेरी बन जा फॉर एवर, जान तो मेरी है और किसी की नहीं तेरी कसम जानू। आए हाय वाह, यही तो है साला असली मजनू, यही तो है भाई, यही पर इसके अलावा और दुनिया में किसी और लड़की को नहीं मिलनी चाहिए ये, वरना ये ऐसे कमेंट्स करते करते पूरी दुनिया भरने वाला, पूरी दुनिया। कैन यू प्लीज रिप्लाई मी, इट्स बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योर मैसेज सो रिप्लाई मी। भाई यही तो वो बंदा है जो कि पूरी दुनिया का काम धाम छोड़ करके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने आया है, बेचारे गरीब की थोड़ी सी तो मदद करनी पड़ेगी इस पूरी दुनिया में, इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इस लड़की का एक रिप्लाई, एक मैसेज चेक करने के लिए ये अपनी जान किडनी सब की सब यहीं पर लगा दिया है, अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पर ये मजे कर रहा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, सुपर आग वाली इमोजी, क्वीन फॉर यू वर्ल्ड, लगता है गलत स्कूल से इंग्लिश पढ़ के आ गया मैं। अगर अब तुम सबको लगता है ना कि इन सब के कमेंट्स या इन सब के चोचले जो है या फिर इनके रोने धोने ये सिर्फ इसी मैटर पर है, तो ना ना, यहाँ पर फेसबुक की तरह कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो डीपी बैटल करवाते हैं और ये तुम्हारे बड़े प्यार से इनके मैसेजेस पढ़ो, कितना प्यार होता है इनके मैसेजेस में। डीएम योर पिक्स टू गेट फीचर्ड ऑन आवर पेज, पिंक दिल सपोर्ट प्लीज, पिंक दिल, ओ भाई लास्ट में इमोजी भी है, समझ सकते हो इस बंदे को सपोर्ट की इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी ज्यादा कि कोविड के पैसे छोड़कर लोग इसे डोनेट करना शुरू कर देंगे। यार ब्यूटी, अच्छा योर ब्यूटी, सॉरी ये सब लैंग्वेज मैंने नहीं सीखी भाई, मेरे स्कूल टीचर ने ये सब नहीं सिखाया, साले गंवार सब थे साले। शर्म है कुछ शर्म आया है। Your beauty is something like incredible. Oh ho, बाप रे, अंग्रेजी मतलब। I never seen really. Pink वाले तीन दिल, लाल वाली आग इमोजी वो भी तीन तीन। Oh भाई, इस बंदे ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी इससे ज्यादा सुंदर कुछ देखा ही नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है? इससे लगता था कि आज तक कटरीना कैफ को देख रहा, ना ना भाई, कटरीना कैफ इसका में कुछ नहीं, यही तो है कटरीना कैफ को फेल करने वाली, दिशा पटानी के ऊपर इसी का तो नाम आ रहा है। और इंडियंस की सबसे बेस्ट बात क्या पता है? वो इंडियंस है ये बाद में आता है, सबसे पहली बात है वो फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा बना सकते हैं। सो लवली, अब अगर तुम सबको लग रहा है कि इस कमेंट में क्या खास है,
कुछ खास जैसा तो लग नहीं रहा है। मुझे भी पहले कुछ खास जैसा लगा नहीं था, पर मुझे लगा इतना प्यारा सा कमेंट किसने किया होगा। तब मैंने उसकी डीपी देखी और मुझे डीपी में ये दिख गया। अब मुझे लगा था यहाँ सिर्फ लौंडे लपाटे हमारे जैसे ठरक से भरे पड़े या फिर हवसी इंसान आए हुए होंगे, पर ऐसा नहीं था। ये अधेड़ उम्र के ये अंकल तक आए हुए हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि सच में कि ये उन सबको रिप्लाई छोड़कर इन्हें इसके कमेंट को प्यारा सा दिल देंगी। कर क्या रहा अंकल यहाँ पर, तुम्हारी इस अधेड़ की उम्र में कब तुम्हारी हड्डियां पसली अलग हो जाए और तुम्हारी जान तुम्हारी छाती फाड़ के निकल जाए। जरा सोचो इसका, थोड़ी भजन कीर्तन करो, नरक से स्वर्ग जाने का कुछ रास्ता ढूंढो। ये क्या कर रहे हो और नरक जाने का सोच के रखे हो? अबे साले, गेटिंग मोर एंड मोर। लाल दिल, अभी तक पिंक दिल था, एक बंदा, सिर्फ एक ही बंदा मिला जिसने लाल दिल दिया। ब्यूटीफुल लाल दिल फिर से, बाय ईच पासिंग डे। अब ये वो बंदा है जो इस लड़की को दिन रात घंटों सालों महीनों से सिर्फ इसके पोस्ट यानी कि इसके फोटो पोस्ट होने का इंतजार करते रहता है। और जैसे पोस्ट हुआ नहीं कि भाई ये अपनी बटन जैसी आंखें, शक्ति कपूर जैसा हवस लेकर के इसके फोन के सामने बैठ जाता है और उसकी तस्वीरें निहारते रहता है। अब इस बंदे के लिए अलग से तेल फ्राई कराऊंगा मैं नर्क में। आई होप तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम सबको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करना, और अगर ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, थोड़ी सी रीच बढ़ाओ। और तुम सबके लिए ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस मैं लाने की कोशिश करता रहूंगा। विद दैट सेड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड पीस आउट।